क्या आप बहुत ज्यादा ही बोर हो चुके हो? हाँ, कुछ ज्यादा ही। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं कुछ इजी आर्ट आइडियाज शेयर करूंगी जो कि बहुत ज्यादा मजेदार होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hi buddies, what's up? It's Bonnie and welcome back to my channel. So, तुम सबका बोरियत दूर करने के लिए जो DIY मैं पहले करूंगी उसके लिए मैंने लिया है एक बॉटल कैप और इससे मैं ना एक क्यूट से डांसिंग डॉल बनाऊंगी। डांसिंग डॉल? और वो भी इस बेकार से बॉटल कैप से? यकीन नहीं हो रहा है। यकीन हो जाएगा पर इसके लिए थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है। एनीवेज बॉटल कैप से मैंने तो सर्कल बना लिया है। अभी मैं सीजर्स की हेल्प से पेपर को अच्छे से कट करूंगी। पेपर को अच्छे से कट करने के बाद मैं अभी डॉल की एक क्यूट सी फेस ड्रॉ कर दूंगी और आप सबसे बातें करते करते मैंने अपनी ड्राइंग भी कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे सबसे मजेदार वाला पार्ट जो की है पेंटिंग। आप सबको तो पता ही है पहले मैं बेसिक कलरिंग करूंगी उसके बाद शेडिंग तो नहीं करूंगी पर थोड़ी सी डिटेलिंग्स ऐड करने के बाद आउटलाइनिंग करके पेंटिंग को कंप्लीट कर दूंगी। नेक्स्ट में मैं बॉटल कैप में थोड़ी सी क्ले चिपका दूंगी फेविकॉल की हेल्प से क्योंकि हमारी डांसिंग डॉल को तो डांस भी आना चाहिए है कि नहीं। इसके लिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और फाइनली डॉल की कटआउट जो हमने पहले बना के रखा था उसे बॉटल कैप में अच्छे से स्टिक करने के बाद हमारी डांसिंग डॉल एकदम तैयार हो चुका है डांस करने के लिए। इतना ज्यादा क्यूट बना है यार। थैंक्स अ लॉट। एनीवेज चलो अब जल्दी जल्दी सेकंड वाला DIY देख लेते हैं। देखो ना ये पेंसिल तो बिल्कुल ही बेसिक एंड बोरिंग लग रहा है। तुम अपने लिए क्यूट से पेंसिल टॉपर ही बना लो। हाँ सही कहा। सो चलो अभी हम बनाएंगे इस बोरिंग से दिखने वाली पेंसिल के लिए क्यूट सी पेंसिल टॉपर। पेंसिल टॉपर बनाने के लिए मैं यूज करूंगी सुपर क्ले। पता नहीं ये क्ले मेरे पास कितने जन्मों से पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही आज यूज कर लेते हैं। मैंने येलो सुपर क्ले ले लिया है और मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक मैंगो फ्लेवर्ड आइसक्रीम बनाऊं। एक दिल की बात बताओ मुझे ना मैंगोस भी बहुत ज्यादा पसंद है और आइसक्रीम भी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैंगो फ्लेवर्ड आइसक्रीम भी बनाया जाए। और मैंने हमारी क्ले को पेंसिल में अच्छे से फिक्स कर दिया है क्योंकि ये हमारा पेंसिल टॉपर बनने वाला है। एनीवेज मैंने बातें करते करते क्ले को अच्छे से आइसक्रीम जैसा शेप दे दिया है। लास्ट में हमारी पेंसिल टॉपर में थोड़ी सी शेडिंग और डिटेलिंग्स ऐड करने के बाद हमारी पेंसिल टॉपर एकदम तैयार हो चुका है। अब हमारी पेंसिल तो काफी ज्यादा क्यूट लग रही है बट अभी हम देखेंगे थर्ड वाला DIY। क्या आप बिना मेहनत करे पेंटिंग करना चाहते हो? सो ये DIY ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तुम इतनी दिल की बात कैसे कह रही हो? मैजिक से। एनीवेज मैंने यहाँ पर कैनवास का एक शीट ले लिया है। मेरे पास एक बड़ी सी स्पंज है। एनीवेज मैंने यहाँ पर स्पंज की एक छोटी सी पीस कट कर लिया है। देन रेनबो के जितनी कलर्स है ना मैं उन सारी की सारी कलर्स को कैनवास के ऊपर अच्छे से डॉट डॉट करके अप्लाई कर दूंगी। और अभी मैं डैब डैब करके सारी की सारी कलर्स को एक दूसरे के साथ अच्छे से मर्ज कर दूंगी। मैं यहाँ पर एक रेनबो ट्री बना रही हूँ और आप लोगों से बातें करते करते मेरी पेंटिंग भी एकदम खत्म हो चुका है। हमारा थर्ड DIY एकदम खत्म हो चुका है। सो अभी हम देखेंगे हमारा फोर्थ वाला DIY।
क्या आपको भी मेरे जैसा बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है? सो अभी हम बनाएंगे एक सुपर डुपर इजी बुकमार्क। मेरे पास एक आइसक्रीम का स्टिक बहुत दिनों से पड़ा हुआ था और आज मैं इसे ही एज अ बुकमार्क यूज करने वाली हूँ। प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी है। पहले मैं ब्लू एक्रेलिक कलर को अच्छे से अप्लाई करूंगी आइसक्रीम स्टिक के ऊपर, फिर मैं उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। कलर अच्छे से ड्राई होने के बाद मैं धीरे धीरे फूल पत्ती ये सब ऐड करना स्टार्ट कर दूंगी। लास्ट में अच्छे से शेडिंग, डिटेलिंग्स एंड आउटलाइनिंग करने के बाद हमारी बुकमार्क इज रेडी। अब मेरी पेजेस कभी भी नहीं घूमेगा क्योंकि मेरे पास अब बुकमार्क जो है। हाँ सच में ये तो बहुत ज्यादा इजी है, इसे कोई भी अच्छे से बना सकता है। एनीवेज अब हम देखेंगे हमारा फिफ्थ यानी लास्ट वाला DIY। क्या आपके पास कोई भी ड्राइंग पेपर नहीं है और आपको पेंटिंग करने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है? कोई बात नहीं, आज मैं ना एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगी जिसमें ड्राइंग पेपर का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सो आज ना मैं ड्राइंग पेपर के जगह पर न्यूज़पेपर पे पेंटिंग करने वाली हूँ। साउंड्स क्रेजी राइट? हाँ क्रेजी तो है और साथ में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी है। एनीवेज मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर का 2 पीस कट कर लिया है। अभी मैं इन दोनों पीस को फेविकॉल की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर दूंगी क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा पतला होता है और पेंटिंग करने के लिए न्यूज़पेपर एकदम ही सही नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर का 2 पीस यूज किया है। एनीवेज फेविकॉल अच्छे से सूखने के बाद मैं अभी फटाफट ड्रॉइंग करना स्टार्ट कर दूंगी। ड्रॉइंग करने के लिए मैं यहाँ पर शेडिंग पेंसिल का यूज कर रही हूँ। ड्रॉइंग एकदम कंप्लीट हो चुका है, अब हम पेंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर एक मशरूम की पेंटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे मशरूम्स बहुत ज्यादा पसंद है। पहले मैं बेसिक कलरिंग करूंगी और उसके बाद शेडिंग, डिटेलिंग्स एंड आउटलाइनिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो फाइनली शेडिंग, डिटेलिंग्स एंड आउटलाइनिंग करने के बाद हमारी मास्टरपीस एकदम कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ साथ हमारी आज की वीडियो भी एकदम खत्म हो चुका है। सारी की सारी आइडियाज देखे तो मजा ही आ गया। थैंक्स अ लॉट। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बी क्रिएटिव।